योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोर्स एंड टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों का आगाज हो चुका है। अब आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सर्दियों में सभी को गर्म पानी की जरूरत होती है और उसके लिए सबके पास अलग अलग विकल्प होता है। दोस्तों, कोई गैस गीजर यूज करता है, दोस्तों कोई इलेक्ट्रिक गीजर यूज करता है, लेकिन हम कोई भी गीजर यूज करें, गर्म पानी के लिए कोई भी सोर्स यूज करें, उसके लिए हमें उसके प्रिकॉशन के बारे में, उसकी सावधानियों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गैस गीजर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने से पहले आप उसकी सावधानियों के बारे में अच्छी प्रकार जान लें। अगर आपने उसकी सावधानियों को नहीं जाना तो आप अपनी जिंदगी पर बहुत ही बड़ा संकट लेके आ सकते हैं। दोस्तों, गैस गीजर अगर आप ले आए हैं तो आप उसको ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर लगाने की कोशिश करें जहाँ का वेंटिलेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका बाथरूम बहुत छोटा है, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसमें रोशनदान नहीं है, तो मेरे कहने के अनुसार आप उसमें गैस गीजर मत लगाइए। दोस्तों, अगर आपने उसमें गैस गीजर लगा लिया और आप भूल से उसको यूज कर बैठे, और अगर आप 15 मिनट भी उस कमरे में, आप उस बाथरूम में रह गए बंद करके दरवाजा, तो आप ये समझ लीजिए आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कब मौत के आगोश में समा चुके हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आप इस वीडियो को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर गैस गीजर लेके आए हैं तो उसके बारे में, उसकी सावधानियों के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। अगर आपका गैस गीजर कोई मैकेनिक लगाने आ रहा है और उसे इसके बारे में नहीं पता है, वो आपके यहाँ आएगा, गैस गीजर लगाएगा और चला जाएगा, और आपको उसकी सावधानियों के बारे में पता नहीं है, तो आप उससे बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले चुके होंगे। दोस्तों, अगर आप गैस गीजर ला चुके हैं तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास बाथरूम के बाहर बाहर स्पेस है तो आप उसे बाथरूम के बाहर ही लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आपको मजबूरी में बाथरूम में लगाना पड़ गया है, तो सबसे पहले आप, जब आप गैस गीजर का यूज कर रहे हैं, तो आप गैस गीजर को चला के उसमें से अपने पानी की बाल्टियों को भर लें, जिससे जो उसके अंदर ऑक्सीजन है वो गैस गीजर खर्च कर चुका होगा, लेकिन आप उसके अंदर नहीं होंगे तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, गैस गीजर का मेथड क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे आपने बाथरूम में अंदर गए, कमरा आपने दरवाजा बंद किया और आपने गैस गीजर ऑन कर दिया, तो गैस गीजर वहाँ उस बंद स्पेस में, बंद बाथरूम में जितनी भी ऑक्सीजन है वो उसको खर्च कर देगा और आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी और आप बिल्कुल स्लोली स्लोली मौत के आगोश में समा जाएंगे। आप किसी को हेल्प के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते, ये बहुत ही भयंकर मौत होती है। दोस्तों, आप अगर ऐसी परिस्थितियों में आ गए हैं तो आप ज्यादा उसके अंदर मत ठहरे, और अगर आपको नहाना है तो आप पहले बाल्टियां भरें अपनी और फिर बाथरूम के अंदर जाकर गैस गीजर का यूज ना करें। दोस्तों, अगर आपके बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर रोशनदान है, प्रॉपर डस्टबिन लगा है, तो आप इस समस्या से कुछ निजात पा सकते हैं, लेकिन रिस्क फिर भी बना रहेगा। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आप अगर गैस गीजर ले आए हैं तो आप उसे बाथरूम से बाहर लगाएं। अगर आपने उसके अंदर बाथरूम में लगाना पड़ ही गया है, तो आप जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान दीजिए, क्योंकि आग जहां भी जलती है वो ऑक्सीजन का यूज करती है और उस बंद स्पेस में ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में होती है और वो ऑक्सीजन वो आग जला देती है और आपको सांस लेने के ऑक्सीजन नहीं बचती। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।